आज गर्गाचार्य हमारे घर में आए। भले ये संत आते हैं क्यों घर में, क्या जरूरत संत क्यों आते हैं? भले महत विचरणाम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसा, कभी जो भी लोग हैं इनके कल्याण करने के लिए आते हैं। बोले गृह मतलब क्या है? बोले सवेरे से लेकर के सोने समय तक केवल जिनका मती घर में हल्दी है कि नहीं, घर में नमक है कि नहीं, घर में आटा है कि नहीं, घर में आलू टमाटर है कि नहीं, देखना सवेरे से लेकर के सोने तक उनके दिमाग में यही चीज़ घूमती है। इसके सिवाय और दिमाग में किसी चीज़ घूमती नहीं। हम पैसा कमाए कि नहीं, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, लेकिन जिसके लिए ये मानव शरीर मिला है वो चीज़ को वो स्मरण नहीं करते। इसलिए हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जीव जागो गोरा चांद बोले कत निद्रा जाओ माया पिशाच बोले। वो कहते हैं उठो जगो, बोले हम तो जगे हुए हैं। बोले जगे नहीं, तुम सोया हुआ हो, वो दिखता है तुम जगे हुए हो, तुम माया की नशा में तुम सोए हुए हो, तुम जगे नहीं। जगे तो वही व्यक्ति है जो व्यक्ति भगवान की भजन कर रहे हैं, वही जगे हैं। इसके सिवाय सबके सब सोए पड़े हुए हैं माया हैं, सबके सब सोए पड़े हुए हैं। इसलिए कहते जीव जागो गोरा चांद बोले कत निद्रा जाओ माया पिशाच बोले। कब तक माया की पिशाच की गोद में कब तक सोते रहे हुए? बोले क्या जगाते? बोले भजी वो बोलिया ऐसे संसार भीतर। बोले संसार में क्यों आए हो? ये घर गृहस्थी करने के लिए आए? कहते नहीं, कल कथा सुन रहे थे ना, भगवान कपिल देव माँ को कह रहे हैं, बोले माँ गर्भ में जो बच्चे को 7 महीना हो जाता है उसको ज्ञान आता है, वो देखता है कि गटर द्वंदर में मैं पड़ा हुआ हूँ, पेट नहीं। भगवान कहते हैं माँ के पेट में आना कि गटर का आना बराबर है, पता पेट में क्या है? टाटी, पेशाब, खून, पीक, सर लटका हुआ, टांग ऊंचा करके, इतने गर्मी पेट में ना, आज रसगुल्ला खाओ कल पिस्ता बन कर निकलता है, इतने 40 डिग्री कम से कम पेट में इतनी गर्मी है। इसको अंदर में ये जीव को आना पड़ता है, 9 महीना उसको अंदर में रहता है, किसी गटर गंड में 10 मिनट रखना प्राण खत्म हो जाए, लेकिन उसका अंदर में उसको 9 महीना बिताना पड़ता है। इसलिए उसको 1000 जन्म की बात याद आता है, पहले मैंने झूठ बेईमानी करके कैसे पैसा कमाया, और वो पैसा कमा करके पूरा परिवार को तो मेंटेन किया, कहाँ वो परिवार था, कहाँ हुए सबके सब, यहाँ तो कोई है ही नहीं, कर्म का फल तो मेरे को अकेला भोगना पड़ रहा है। उसको ये पूर्ण ज्ञान हो जाता है संसार झूठा है, ये केवल ये मतलब का संसार है और कुछ नहीं। चूंकि आपसे कुछ मिल रहा है इसलिए प्रेम ऊपर से दिख रहा है, मिलना बंद कर दो सारे संबंध, उसी समय हम खत्म कर देते हैं। कहते आप कैसे हो? बोले जब तक जेब में पैसा हो, पैसा गन और तुम कौन? उसको पूरा ये भगवान माँ को कह रही ये बात, बोले माँ पूरी की पूरी उसको याद होता है, फिर भगवान से कसम खाता है, बोले प्रभु ये गर्भ से मेरे को निकालो ये नरक से। बोले क्या करोगे? बोले इस बार अगर गर्भ से निकालोगे ना, उठते बैठते सोते तेरे नाम जप करूंगा, ये झूठे संसार में मैं नहीं पहुंचूंगा। बोले कष्ट पा करके बोल रहे हो, जो जन्म दे दूंगा फिर भूलते नहीं जाओगे? बोले भजन भजन क्या होता है, बेकार चीज जब के सब है, भूलते नहीं जाओगे? बोले प्रभु एकदम नहीं भूलूंगा, उठते बैठते सोते भजन करूंगा। फिर भगवान कहते अगर भूल जाओगे ना, फिर मैं संत रूप में तुम्हारे पास में आऊंगा, फिर तुमको समझाऊंगा, बेटा क्या वायदा करके आया था, क्या बोल करके आया था पेट में। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, आए थे हरि भजन को और ओठ न लगे कपास। गोस्वामी जी कहते हैं, आए थे हरि भजन को, ये जीवन केवल हरि की भजन के लिए और किसी काम के लिए नहीं है। इसलिए भगवान राम क्या कहते हैं, बोले साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सवारा। इसलिए भगवान कहते हैं अयोध्यावासियों को, कहते ये मानव शरीर नहीं, बोले साधन धाम, ये भगवान खुद कह रहे हैं, बोले इसी शरीर से ही प्रभु का भजन हो सकती है। इंसान को छोड़ करके किसी पशु पक्षी जानवर को बोलो कृष्ण कृष्ण राम राम बोले, कोई बोल सकता है इंसान के सिवाय? बोले 84 लाख जीवन में एक ही जीवा ठाकुर ने दिया जिसमें तुम कृष्ण कृष्ण राम राम बोल सकते हो, इसके सिवाय कोई भी
भगवान के नाम को ले नहीं सकते है, इसलिए कहते साधन धाम, बोले मोक्ष करे द्वारा, बोले ये मानव शरीर नहीं, तुम चौदह ब्रह्मांड 84 लक्ष ज्योति भटकते भटकते अभी मुक्ति की दरवाजा पर पहुंचे हैं। कहाँ पहुंचे हैं? मतलब कहाँ पर पहुंचे? कहते मुक्ति की दरवाजा पर पहुंचे हैं। इसलिए गुरु जी एक कथा सुनाते थे, बोले कोई एक अंधा था, वो अंधा डंडा टेकते टेकते जा रहा था, एक बहुत बड़ा महल बना हुआ जिसमें 84 लाख दरवाजा, कितना दरवाजा? 84 लाख, लेकिन ये सारे दरवाजा बंद है, लेकिन उसमें एक दरवाजा खुला हुआ है। वो बेचारा अंधा है, वो अंधा डंडा टेकते टेकते भूल से वो खुला हुआ दरवाजा में कैसे अंदर में चला गया, जब चला गया उसको तो दिखता ही नहीं और सारे दरवाजा बंद पड़ा हुआ। वो हाथ लगाता है बंद, हाथ लगाता है बंद, हाथ लगाते हैं बंद, कितना दरवाजा था उसमें? 84 लाख। ऐसे करते 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 कितने दिनों के बाद में वो खुला हुआ दरवाजा में पहुंचा। जब पहुंचा सोचा मेरे को तो सारे दरवाजा बंद पड़े हुए मिले, ये थोड़ी खुला हुआ होगा, ये भी बंद पड़ा हुआ होगा। पास वहीं पर आकर के खुजलाना शुरू कर दी, थोड़ा खुजली मच गया, वहीं पर आकर खुजली मच गया तो बस वो क्रश कर गया। खुला हुआ दरवाजा था वो तो पार हो गया, पर कौन सा दरवाजा आएगा? बंद पड़ा। अब समझ गए होंगे, जी भगवान को भूल करके ये मानव शरीर अंधा हम ही है आए, लेकिन ये सारे दरवाजा उसको बंद मिला। मतलब क्या है? कहते मानव शरीर पाने से पहले जीव को 84 लाख भ्रम के ये दर्शन थे, इसको पहले 84 लाख जो नहीं भटकना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा, भगवान खुद कह रहे हैं। हमको तो ऐसे लगता कैसे टपक पड़े यहाँ से, भगवान कहते नहीं टपक नहीं पड़े, टपक नहीं पड़े। भगवान कहते देत ईस बिनु हेतु सनई, ये मत समझो बड़े पुण्य कर्म करके मानव शरीर मिला। भगवान कहते नहीं, भगवान कैसे बाई चांस तुमको दे दिया, कैसे बाई चांस कैसे तुमको मिल गया जीवन, ये जीवन सहज में। कहते सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, देवता भी प्रार्थना करते हैं भारत में सनातन धर्म में जन्म लेने के लिए, लेकिन ये देवताओं को भी ये मानव शरीर नहीं मिलता है, इतने दुर्लभ है, हैं? लेकिन ऐसी ये खुला हुआ दरवाजा, बंद दरवाजा मतलब क्या? जब मानव शरीर मिलने से पहले जो 84 लक्ष जन्म तुमको भटकना पड़ा, सारे दरवाजा बंद पड़ा था, मतलब क्या? हरि की भजन नहीं कर सकता, हरि की नाम ही नहीं कर सकते, सारे बंद पड़ा हुआ था। लेकिन जब खुली हुई दरवाजा में मिला, मतलब जब मानव शरीर मिला, फिर हमने क्या किया? खुजली मचना शुरू शुरू हो गई। खुजला का मतलब क्या है? वो गधे कुत्ते सुअर जीवन में जो कर रहे थे ना, अभी भी वही काम कर रहे हैं। बोले क्या काम करते हैं? बोले चार काम करते हैं। मानव शरीर क्या कितना काम करते हैं? बोले दिन में 2 काम करते हैं, रात को 2 काम। बोले दिन में 2 काम क्या करते हैं? बोले पैसा कमाओ, पैसा से परिवार को मेंटेनेंस करो, और रात को विश्राम और इंद्रिय तृप्ति, यही तो करते हैं, इससे और ज्यादा कुछ नहीं करते। कहते ये काम कौन नहीं करता है? काम को एक सुअर को देखो, हम तो साल में एक बच्चा जिंदगी में 2-3 बच्चे इसको देखो, एक साथ में 10-10, 15-15 बच्चा जन्म देता है। हम बच्चे को बड़ा करके कितना दिन में छोड़ते हैं? 20-25 साल लगता है, वो 1 महीना में बच्चे को होनहार करके 10-15 बच्चे को छोड़ देता है। खाने के लिए आपको पता होगा कितना पढ़ाई लिखाई, 20-25 साल एमए पीएचडी कुछ करो, 20-25 साल लगता है। 10-10 घंटा काम करते हैं, रास्ता में जो जानवर घूमते हैं, कोई स्कूल गए, यूनिवर्सिटी गए, कोई स्कूल कॉलेज गए, घूमते हैं, कहाँ जाता खाना मिल गया। सोने के लिए हम कितने बढ़िया घर बनाते हैं, हैं एसी लगाए, तभी अगर टेंशन रहे ना, गोली खाने पर भी हमें नींद नहीं आती हो, उनको देखो नो टेंशन, रास्ता में जहाँ तक बड़े हुए। इसलिए कहते हैं खाना बिना सोना कौन नहीं करता है, ये काम को कौन नहीं कर रहा है। इसलिए मानव शरीर पाकर खुजलाना मतलब होता है, वो जो कुत्ते गधे जीवन में जो काम किया ना, इसी जीवन में वही भी काम कर रहे हैं। भाई खाए पिए 2-4 बच्चे जन्म देकर मर गए, इससे क्या बड़ा कौन काम किया? कोई तो बड़ा काम नहीं किया, यही तो काम करके मर गए ना। इसलिए कहते हैं भैया जीवन पा करके अगर खुजला तो खुजला, अगर खत्म हो गया जीवन, फिर क्या होगा? कौन सा जीवन ठाकुर देंगे? फिर वही 84 लक्ष जीवन, फिर हमें भटकना पड़ेगा। इसलिए जो संत आते हैं यहाँ पर, कौन कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नंद बाबा गर्गाचार्य भी ये बात कह रहे हैं। बोले आज हमारी जीवन भर धन्य हो गया है, क्योंकि आज हमारे घर में संत आए हैं। क्यों? बोले जगाने के लिए,
भजी वो बोलिया ऐसे संसार भीतर हम भगवान से वायदा करके आए थे तेरे भजन करेंगे, लेकिन भूलिया रही ले तुम्हें अविद्या रे, लेकिन अज्ञान में हमने भूल करके माया के संसार में रह गए। बोले तुम्हारे लई तो हमें है न बता, भगवान कहते हैं मैंने तुमको लेने के लिए मैंने आया हूँ, लेने के लिए मैंने आया हूँ। बोले हरिनाम महामंत्र लह तुम्हें मांगी। तो यहाँ पर कहते हैं अगर भगवान को पास में जाना चाहते हो, ठाकुर जी को पास में जाना चाहते हो, कैसे जा सकते हो? कल बोल रहे थे ना पासपोर्ट वीजा और टिकट, ये तीन चीज चाहिए तब तो फिर हम ठाकुर के पास में जा सकते हैं। पासपोर्ट क्या है? बोले गले में तुलसी की कंठी। कहते वीजा क्या है? बोले ये तिलक। और टिकट क्या है? भगवान की नाम, ठाकुर जी की नाम। अगर ये तीन चीज अगर हमने ग्रहण कर लिया ना, पास ये वैकुंठ का पासपोर्ट है, गोलोक वृंदावन की ये पासपोर्ट है, इसलिए फिर हम क्या करेंगे ठाकुर जी के पास में हम जा सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए साथ में क्या जाएगा? साथ में ठाकुर जी के नाम ही जाएगा। भले ही जीवन में जो कुछ कर रहे भले ही जीवन में जो कुछ करते हैं, लेकिन जब अंतिम समय आई आएगी, शरीर जब कोई छोड़ता है, जो चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, अब सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा, यही बोलते हैं ना। ये बात किसको सुनाते हैं? जो ऊपर जो लेटा हुआ उसको सुनाते हैं। बोले देख बेटा, जितने तुमने राम का नाम लिया, जितने तुमने कृष्ण के नाम लिया, केवल उतना ही सत्य था, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया है तुमने झूठे में जीवन बिताया। यहाँ से एक सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रही है। जिस पत्नी को तुमने शादी की वो रो रो कर दरवाजे तक जाएगी, उसका आगे तेरे साथ नहीं चलेगी। जो परिवार वाले शमशान तक जाएंगे, उसका आगे कोई जाएगा नहीं। इसलिए आगे क्या जाएगा? भाई जी मैंने, हाँ, इसलिए क्या करना, सवेरे उठ करके नहा धो करके सबसे पहले भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो। फिर दिन भर क्या करो? दिन भर जो कुछ काम कर रहे तो करो, लेकिन भगवान की सेवा मान करके। पैसा कमाते हो, किसके लिए पैसा कमा रहे हैं? ठाकुर जी की सेवा के लिए। रसोई बनाते हो, क्यों रसोई बनाते हो? ठाकुर जी को भोग लगेगा। भोग कौन है तुम्हारे? ये वाली भोग बेटा कौन? और ये बेटा, और ये दामाद है, ये बेटी है, ये भी भोग है, सब भोग है, ठीक है, ये पति है, ठीक है, सब राधा बना कर सब ले जाना, ठीक। इसलिए सब हरिनाम करना, ठीक है ना, ठीक है बच्चों, ठीक है। सवेरे उठ करके नहा धो कर सबसे पहले भगवान की माला जप करना, ठीक है ना, सबके सब भगवान की माला जप करना। और जो कुछ भोजन, बहू कौन है तुम्हें? ये है, जो कुछ घर में भोजन बनता है सबसे पहले ठाकुर को भोग लगा। ठाकुर जी को क्या करना? हाँ, भोग लगाना। सुदामा जी का नाम सुने ना, ये पहले गरीबी था, बाद में धनी हुआ। ये गरीबी क्यों बना? अब लोग टीवी में देखे होंगे, जब गुरुकुल में जा रहे थे, गुरु माता ने चाना दिया था सुदामा को, बोले कृष्ण को देख रहे खाना, लेकिन उसने क्या किया? टीवी में देखे ना, पेड़ के ऊपर चढ़ कर छुप छुप कर खाए। भगवान ने बोले मेरे हिसाब में नहीं खाए हो, इसलिए उसको गरीब भोगना पड़ा। लेकिन धनी का बना, जब भगवान के पास में गए, दो मुठी चिड़वा लेकर गए, दो मुठी चिड़वा खाए तो ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया। भगवान को देख रहे खाएंगे तो घर में लक्ष्मी आती है, हाँ, घर में लक्ष्मी आती है, इसलिए भगवान को भोग लगा कर खाए हो। लेकिन एक बात है, अगर प्याज लहसुन खाओगे तो भोग नहीं लगा सकते, अगर प्याज लहसुन खाओगे तो ठाकुर को भोग नहीं लग सकती। खाते हो प्याज लहसुन? सही सही बोल, तो हंस रहे हो क्या? हाँ, एक चीज छोड़ो भगवान के लिए, ठीक है ना। पहले तो माता जी भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तुम्हारे प्रभु जी भक्ति करते कि नहीं? तुम्हारे पति करते हैं ना। हाँ, अभी इनको ठीक इसलिए अभी ये दोनों बहू और बेटे को लगाना, ठीक है। देखो, हाँ, इधर आ जाओ। घर का मालिक होकर पीछे कैसे बैठे? गए मालिक नहीं है, चौकीदार है। ये भाव तो सही है, हम सचमुच से हम तो चौकीदार हो गया। आप कथा सुनो,
बैठे बैठे को बैठा इधर इधर दामाद बाकी रह हरे कृष्णा प्रभु जी प्याज लहसुन नहीं खाते है ना देखो आज अब घर में संत आए ना नियम है जब संत आते हैं कुछ दो और कुछ लो बोले दे किया और ले किया बोले सारी गंदी चीज दे दो बोले ले किया बोले भक्ति लो प्रेम लो ठीक है बाबा हाँ घर में हमारी झोली में जो प्याज लहसुन खाते हो प्याज लहसुन डाल देना हाँ देखो एक जैसे नवरात्रि आती है ना देखना 9 दिन तो कोई प्याज लहसुन नहीं खाते है ना घर में नहीं घुसाते बोले क्यों नहीं घुसाते हैं कारण क्या बोले माता जी को पसंद नहीं तब तो नहीं घुसाते क्या 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा इसलिए जो चीज ठाकुर जी को पसंद नहीं ना वो चीज हमें भी नहीं पसंद होनी चाहिए जो ठाकुर का पसंद वो हमें पसंद होनी चाहिए ठीक है ना इसलिए जो प्याज लहसुन कल बता रहे थे ना जब भगवान सुदर्शन चक्र से और राक्षस को गला को काटे बोले जहाँ पर ये मांस गिरा है वहीं पर ये प्याज की पौधा हुई है देखना मांस जैसे लाल लाल रंग के और प्याज भी लाल लाल रंग के जैसे मांस से बदबू आती है कच्चा प्याज खाओ मुँह से बदबू मारेगा यहाँ प्याज काटो पता चलेगा कि प्याज कट रही है आँखों से आंसू आ जाती है इसलिए ठाकुर जी की भोग में नहीं लगती है ठाकुर जी को भोग में नहीं लगता क्यों इसका जो सृष्टि है ना वो गंदी चीज से हुई पहले कोई भी हिंदू नहीं खाते थे ये सब नीचे जाति के लोग खाया करते थे मुसलमान लोग खाते थे बोले कहाँ से आ गया बोले उनसे ही आया है ये सब मांस मछली अंडा ये सब हिंदुओं का खाना नहीं है क्योंकि हर हिंदू घर में पहले ठाकुर होते थे हर ठाकुर जी को भोग लगा करके ही हर हिंदू खाया करते थे लेकिन अभी धीरे 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 प्याज उसके बाद में फिर धीरे धीरे मतलब ले आओ अंडा ले आओ फिर मांस मछली ले आओ फिर धीरे धीरे ये आदत धीरे धीरे गंदी गंदी बनती जाती है ठीक है ना इसलिए क्या करना केवल ठाकुर जी के लिए हैं भगवान को भोग तभी लग सकता है जब प्याज लहसुन के बगैर रसोई बने ठीक है लेकिन हम क्या बोलते हैं जानते हो बोले ठाकुर तो भोग लगाते हैं बोले कैसे बोले अपना लिए बढ़िया बढ़िया बनाते हैं ठाकुर को थोड़ी बातासा दे दिया नहीं तो एक ग्लास दूध दे दिया बोले हम तो ठाकुर को भोग लगाते हैं लेकिन खुद क्या करते हैं बाहर चकमाल शाही पनीर मटर पनीर राजमा चावल बड़े चकाचक भोजन करते हैं ऐसे नहीं करनी चाहिए देखो गुरु जी कहते थे उदाहरण देते थे जैसे मानो घर में कोई के नौकर है वो नौकर क्या करता है वो बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खाता है लेकिन जो मालिक है ना वो मालिक को सामने जैसे तैसे बनाकर दे देता है जैसे तैसे खिला देता है और खुद बढ़िया बढ़िया बनाकर खाता है अगर ये बात मालिक को पता चल जाएगा अब बताओ मालिक क्या करेगा धक्का मारकर निकाल देगा घर से अब बताओ घर का मालिक है हम ना घर का मालिक ठाकुर जी है बोलो ठाकुर जी है कि नहीं मालिक कौन है ठाकुर जी है ना दिया तो उसने सब कुछ ना वो जैसे देना जानता है ना वो लेना भी जानता है वो जैसे देना भी जानता है वो लेना भी जानता है उसको लेने के लिए एक मिनट भी नहीं लगता है एक मच्छर को ब्रह्मा ब्रह्मा को मच्छर बना सकता है इसलिए पैसा अच्छे तरह समझो जो पैसा लक्ष्मी है पैसा लक्ष्मी वो लक्ष्मी हमारी है ही नहीं लक्ष्मी नारायण की है लक्ष्मी नारायण की जब लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगेगा तब तो लक्ष्मी प्रसन्न रहती है नहीं तो लक्ष्मी खुश नहीं रहती नाराज रहती हम लक्ष्मी को भोग कर ही नहीं सकते हैं लक्ष्मी को तो भोग केवल नारायण ही कर सकता है मतलब पैसा से हर चीज खर्च किया अगर ठाकुर को सेवा में नहीं लगा कर खुद बढ़िया बढ़िया कार है ठाकुर को जैसे तैसे घर में पहुँचा दिया एक स्टैचू जैसे नहीं ऐसे नहीं होनी चाहिए ठीक है ना घर में उत्सव देख रहे हैं ना सब तो देख रहा है ना कि नहीं देख रहा है इसलिए अगर हम उनको खुश रखना चाहते क्या करो प्याज लहसुन को छोड़ो छोड़ करके कल जैसे कथा सुन रहे थे ना गले में तुलसी की कंठी पहनो तिलक लगाओ और भगवान की नाम जप करो बस इसी से ही हमारी कल्याण होगा ठीक है बाबा हाँ सवेरे थोड़ी सी प्रभु का नाम जप कीजिएगा देख बच्चों जब तक एक माला नहीं करना इसको भोजन नहीं देना तुम इसको देखना ये तुमको देखेगा ठीक है तो तुम भजन की कि नहीं ये देखेगा तुम इसने जब भोजन के लिए आएगा ना उसको बोलना जाओ एक माला ठाकुर को एक माला 10 मिनट लगेगा ठीक है और भगवान का नाम लेकर कहीं भी जाओगे सब बढ़िया होगा
कितना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, भगवान के भजन के लिए जाओगे और काम तुम्हारी बढ़िया होगा, भगवान का आशीर्वाद है। प्रभु जी माला करते हैं कि नहीं करते? हाँ जी करते हैं ना, ठीक अच्छी बात। अब भी हरि नाम करना ठीक है। आपकी बहू कौन है? वो बेटी है। बेटी है हाँ ठीक है, तुमको हरि नाम करना ठीक है ना। हाँ भजन करना, भक्ति करना। माला है ना तुम्हारे पास? एक्स्ट्रा माला है? एक्स्ट्रा माला भी है ना, बच्चों को देना ठीक है। दोनों हरि नाम करो, भगवान की भजन करो ठीक है ना, और साथ में यही जाएगा और कुछ तो जाएगा नहीं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल की जय जय जय, राधा रानी की जय।